किचन मात्र वो जगह नहीं जहाँ केवल पेट भरने के लिए खाना बनता हो, बल्कि यह तो वो जगह है जहाँ हर थाली में प्यार परोसा जाए। वो कहते हैं ना, माँ के हाथ के खाने की बात ही कुछ अलग है, और इसीलिए मुझे लगता है कि मॉम्स किचन सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज लव। और ये बात मैं भली भांति समझती हूँ, क्योंकि जब बात किचन की आती है तो मुझे अपनी माँ की याद बहुत सताती है। आज वो मेरे साथ तो नहीं, लेकिन मुझे उनके आशीर्वाद की ज़रूरत सदा बनी रहती है। मेरी माँ की रसोई बहुत ही स्वच्छ और व्यवस्थित रहती थी। माँ ने अलमारियों में साफ साफ कागज़ बिछाए हुए होते थे, उन पर डिब्बों की कतारें चमकती थीं। मेरी किचन मेरी माँ से इंस्पायर्ड है, और आज मैं अपनी किचन को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गैस स्टोव के पास ही मैंने कॉर्नर में एक टी स्टेशन बनाया हुआ है, साथ में रोज़ काम आने वाली कुछ ज़रूरी चीज़ें रखी हैं ताकि मुझे खाना बनाते समय इधर उधर न जाना पड़े और मैं आराम से जिन चीज़ों की ज़रूरत हो उनको उठा पाऊँ। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ बहुत सारे DIY शेयर करने जा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने पुट्टी और पानी से एक डो रेडी किया है। इसका वीडियो मैं पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मैं इसमें पूरा डिटेल नहीं दिखाऊंगी, बट सिंपली मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। इस डो से मैंने बेलन की हेल्प से रोटी जैसे तैयार करी, और एक दफ्ती का एक बॉक्स बनाया, उस पर मैं उसका लेयर बना रही हूँ। तो ये तो मैंने सिंपली गोल एक बॉक्स बनाया हुआ है, बट मैंने पहले से बना के रखा है कोन, उस पर मैंने चिपकाया, और बाद में वो कोन जो दफ्ती लगाई है अंदर से वो मैं बड़े आराम से निकल जाती है, मैंने निकाली है उसको। अगर निकालने में कोई दिक्कत हो तो उसमें आप पानी लगा के थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाएगी तो आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। और उसके बाद मैं इसे डेकोरेट करने जा रही हूँ। मुझे इसे हैंग करना है इसलिए मैंने गीला था तभी इसमें एक होल कर दिया था, जो बड़े आराम से हो गया। और अब मैं इस पर कुछ कोटेशन लिखूंगी और फिर ये रेडी हो जाएगा। पेंट करने के लिए मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। पुट्टी का कोन रेडी करने के बाद इसको एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए रखिएगा ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए, कलर लॉन्ग लास्टिंग रहे। इसके बाद पेंट के बाद मैंने इस पर एक क्लियर वार्निश का कोट किया है, आप भी चाहें तो कर सकते हैं। DIY के लिए मैंने ये लकड़ी का टुकड़ा लिया हुआ है, ये मेरे पास काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था, इसमें कील वगैरह थी वो मैंने निकाली। ऊपर की साइड ये बहुत अनफिनिश सा लग रहा था तो मैंने इसको उतना कट कर दिया, और अब मैं इस पे पेंट करूँगी। तो पेंट करने के लिए मैंने ब्राउन कलर लिया हुआ है, वुडन फिनिश, और मैं इसको 2-3 कोट कर दूंगी ताकि इसमें अच्छी सी फिनिश आ जाए। हैंग करने के लिए मैंने इस तरह की हुक का यूज़ किया है, और ये जे हुक जो मार्केट में बड़े आराम से मिलती हैं वो मैंने 6 पीस लिए हैं, और आगे ड्रिल मशीन से होल करके मैंने इनको लगा लिया है। थर्ड DIY के लिए मैंने ओल्ड टॉवल का यूज़ किया है, उसको छोटे छोटे पीस में हैंग किए जैसे कट किए, और रिबन को मैंने चारों तरफ से उसमें लगा लिया, और साथ में एक लूप टाइप का बनाया है ताकि ये हैंकी में हैंग कर सकूँ। किचन में सबसे ज़्यादा टॉवल की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने बहुत सारे ये हैंकी तैयार किए, तो मैं डेली बदल भी देती हूँ, और जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं दूसरा निकाल लेती हूँ। अब चूंकि नॉन मॉड्यूलर किचन है तो मैंने अलमीरा में इस तरह के PVC पाइप के स्टैंड बनाए थे जिनका मैं वीडियो पहले शेयर कर चुकी हूँ, उनको मैंने रखा है। और ये डिब्बों में पता चले कि किस डिब्बे में क्या मैंने रखा हुआ है तो मैंने उसमें स्टिकर लगाए हुए हैं। अलमीरा की वर्टिकल स्पेस को यूज़ करने के लिए मैंने डोर पर छोटी छोटी बास्केट हैंग कर दी हैं, इनमें मैं बच्चों के लिए छोटे छोटे आइटम रख देती हूँ।
सभी हैंग करने वाली चीज़ों के लिए मैंने सेल्फ एडहेसिव हुक का यूज़ किया है ताकि मुझे जगह जगह होल ना करने पड़े। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।